व्यूअर्स, मैं हूँ मोनालिसा। मेरे चैनल मोनालिसा कुकिंग वर्ल्ड पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी चल रहा है आम का सीजन, तो हम सोचे कि आम से कोई रेसिपी बनाया जाए जो इंस्टेंट बन जाए और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हो। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आम नहीं, आम और दही दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे, जो सिर्फ खाने में ही स्वादिष्ट नहीं होगा, हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें है भरपूर मात्रा में विटामिन और कैल्शियम। और दोस्तों, हमेशा की तरह क्या करना है, अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। यहाँ पर हमने कुछ फ्रेश आम लेके उसके पल्प निकाल लिए हैं, जो है बिल्कुल बिना रेसे वाले। अगर आम में थोड़ा बहुत रेसे हो तो उसे छान के इस तरह का सिर्फ पल्प निकाल लें। और लिए हैं दही, जो बिल्कुल बिना पानी वाले हैं। ये देखिए, आप एक काम करें, दही को यूज करने से 2 से 3 घंटे पहले उसे स्ट्रेनर में रख दे, उससे दही का सारा पानी निकल जाएगा। अब इन्हें मिलाने के लिए एक बाउल लेना है और उसमें डाल देना है ये दही और मैंगो पल्प। पहले हम मैंगो पल्प थोड़ा सा डालेंगे और इसे मिला लेंगे। इसे ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा बनाना है, तो उस हिसाब से हम मैंगो पल्प डालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंगो पल्प और ऐड करेंगे और अच्छे से इसे फेंट लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा मिठास लाने के लिए हम ऐड करेंगे कॉन्डेंस्ड मिल्क। बस 1 से 1.5 टेबल स्पून डालें, उससे ही होगा। इससे सिर्फ मिठास नहीं आएगा, इसका स्वाद भी और भी बढ़ जाएगा। जब रेसिपी हो आम का, तो थोड़ा ज़्यादा आम का फ्लेवर फील होना चाहिए, मुंह में थोड़ा लगना चाहिए आम के दाने, तो उसके लिए हम डाल रहे हैं थोड़े से कटे हुए आम। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, गार्निशिंग में ऐड करेंगे। अब हमें एक बोल में इस मिक्सचर को ले लेना है। फिर गार्निशिंग के लिए हम डालेंगे थोड़े से कटे हुए आम और जो ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे हम, उसमें से थोड़ा सा दे देंगे। तो दोस्तों, यह वाला मैंगो डिलाइट तैयार है। अभी इसे कुछ देर फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा एंजॉय करें। अभी चलते हैं दूसरे रेसिपी के लिए। इसे भी हम आम और दही दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। ये हमारे बचे हुए मैंगो पल्प है और ये है दही, नॉर्मल दही है, इसमें से पानी हमने अलग नहीं किए हैं। और हमने लिए है एक बड़ा वाला बर्तन, क्योंकि हम जो ये रेसिपी बनाएंगे इस बर्तन की सहायता से बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, एक ग्लास लेना है और उसमें एक ग्लास मैंगो पल्प लेके बर्तन में डालना है। फिर इसी ग्लास से एक ग्लास दही लेके फिर से बॉटल में डालना है, क्योंकि दही और मैंगो पल्प दोनों की क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए। उसके बाद इस ग्लास में हमें ले लेना है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दही। इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सब कुछ ब्लैक ब्लैक है, मिला ले थोड़ा सा और इसे भी बॉटल में ऐड करना है। यहाँ पर हम कुछ मीठा यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आम थोड़ा सा मीठा ही है। आपको अगर ज़्यादा मीठा चाहिए हो तो थोड़ा सा चीनी ऐड कर लें। यहाँ पे देखिए, ये जो सारे चीज़ें हैं बॉटल के बहुत नीचे हैं, बहुत सारे जगह खाली पड़े हैं। हमें इतना ही जगह चाहिए था, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गैप रहेगा इसके अंदर, ये जो अभी हम इसे सेक करेंगे तो इसमें ज़्यादा झाग बनते रहेंगे, और जितना ज़्यादा झाग बनेगा ये खाने में उतना ही अच्छा होगा। अभी हमें इसे लगातार 2 मिनट के लिए अच्छे से सेक करना है। फिर क्या, ये देखिए बन गया हमारा मैंगो सेक। अभी इसे सर्व करने के लिए हमें लेना है 2 ग्लास और इसमें डाल देना है कोई भी फ्लेवर वाले आइसक्रीम, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। हम यहाँ पर डाल रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। फिर इसमें डाल दें ये मैंगो सेक। ऊपर फिर से ऐड करें आइसक्रीम, डाल दें थोड़े से कटे हुए पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स। तो दोस्तों, मैंगो सेक हमारा बनके तैयार है। इसे भी आप थोड़ा सा ठंडा करके फिर एंजॉय करें। दोस्तों, आम के सीजन में आप ये 2 रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें। अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।